हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आशीष कार रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फाइनली आपके लिए लेकर आ गए हैं मारुति सुजुकी वलिनो का फेसलिफ्ट मॉडल। ये है दोस्तों सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अल्फा मॉडल। सबसे ज्यादा फीचर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही आपको दिए गए हैं। तो आज जो सारी चीजों को हम बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या पिछली वाली वलिनो से क्या क्या चेंज किया गया है, क्या क्या फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और क्या प्राइस कितने वेरिएंट में आती है, कौन कौन सा इंजन ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्राइस की बात करते हैं तो 6,35,000 से स्टार्टिंग है। टॉप मॉडल की कीमत आपको 9,49,000 इसकी टॉप मॉडल की कीमत पड़ जाती है। वही सेम वेरिएंट मिल जाते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा। अगर दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ट्रिपल चैम्बर के साथ दोस्तों आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती थी। पहले वाली बलिनो में आपको ऐसे सिंपल सी लाइनिंग दी रहती थी, इसमें आपको ट्रिपल चैम्बर के साथ आपको डीआरएस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यही नीचे की बात करते हैं, पुरानी वाली बलिनो में आपको हाइलोजन लाइट्स मिलते थे, इसमें आपको एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश की पट्टी लगाई गई है। यहाँ पे आपको टोन हुक दिया गया है। मैट फिनिश के साथ आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करते हैं, 160 mm का आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको ग्रिल भी चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के इसमें आपको ग्रिल मिल जाती है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो दिया गया है। क्रोम गार्निश की आपको पट्टी लगाई गई है। यहाँ पे आपको कैमरा लगाया गया है। ये है इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, देख सकते हैं। आपको फ्रंट प्रोफाइल में भी चेंज किया गया है। पहले जो इसका बोनट आता था ये पूरा बोनट ही था, यहाँ तक पूरा ए से लेके बी तक आपको दोस्तों पूरा फुल्ली बोनट मिलता था। पर यहाँ पे आपको दोस्तों बोनट भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आपको इतना गैप दे दिया गया है, अगर जो आप मारुति डिजायर को देखते हैं तो कुछ इस तरह का इसमें आपको दे दिया गया है। तो यही दोस्तों बात करते हैं इसका साइड प्रोफाइल में और आपको दिखा देते हैं साइड प्रोफाइल में क्या क्या एक्स्ट्रा चेंज और क्या क्या ऑफर किए गए हैं। तो साइड में दोस्तों कुछ माइनर चेंज किए गए हैं, जो है इसका अलॉय व्हील। पहले भी डायमंड कट आता था, इस बार भी डायमंड कट भी आपको दिया गया, बस थोड़े कुछ चेंज किए गए हैं। टायर साइज की बात करते हैं तो 195/55R 16 इंच के आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं डायमंड कट। आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। सस्पेंसर भी आपको चेंज किया गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके ओआरम्स की, तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डेबल आपको ओआरम्स मिल जाते हैं विथ टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे आपको साइड कैमरा लगाया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। डोर हैंडल्स की बात करते हैं, आपको वही क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं कीलेस एंट्री के साथ। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश की पट्टी लगाई गई है, जो कि पुरानी बलिनो में भी आता था। तो यहाँ पे आपको 37 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रियर प्रोफाइल में और आपको दिखा देते हैं इसका रियर में क्या क्या ऑफर किया गया है। बात करते हैं इसके रियर में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। तो रियर में आपको काफी स्टाइलिश और टेल लैंप मिल जाते हैं, जो कि एलईडी टेल लैंप आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों जो ये लाइट दिया गया है ये जलता नहीं है, सिर्फ शो पीस के लिए आपको दिया गया है। ये नीचे की बात करते हैं तो दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, 4-point पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। यही ऊपर की बात कर लेते हैं तो क्रोम गार्निश की पट्टी मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा लगाया गया है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बलिनो लिखा गया है। नंबर प्लेट के ऊपर 2 हाइलोजन लाइट्स आपको मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाइपर्स और डिफोगर्स आपको मिल जाते हैं। स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सेम एंटीना, वही पावर एंटीना आपको मिल जाता है। तो देख सकते हैं इसका ओवरऑल रियर प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंटीरियर प्रोफाइल में। तो इंटीरियर से पहले आपको की दिखा देते हैं, इसमें की ऑफर, कौन सा की ऑफर किया गया है। तो की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सेम की आपको ऑफर किया गया है जो पुरानी बलिनो में आता था। यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक और अनलॉक करने के बटन्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। तो हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है, सेम की आपको मिल जाती हैं। अब आपको दिखा देते हैं इसका इंटीरियर, आपको इंटीरियर में क्या क्या ऑफर किया गया है। तो इंटीरियर में दोस्तों कीलेस एंट्री आती है, आपको पता ही होगा। यहाँ से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं जब आपकी की आपके जेब में होगी। तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, तो आप यहाँ से इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट और बात अब बता देते हैं, ये जो रिकवर्स सेंसर है, ये जो रिकवर्स सेंसर है आपको 3 जगह मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड, एक पैसेंजर साइड, एक आपको बूट में मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर से पहले आपको इसका डोर दिखा देते हैं, आपको डोर में क्या क्या एक्स्ट्रा ऑफर किया गया है। तो डोर में दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग का यूज किया गया है। यहाँ पे आपको लेदर रैप मिल जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ ऊपर हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, यहाँ पे आपको लेदर रैप मिल जाता है दोस्तों। और आगे जाते हैं तो चारों पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया है। ड्राइवर साइड 1 टच अप डाउन करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिरर लॉक करने का ऑप्शन दिया गया, लॉक और अनलॉक करने के बटन दिए गए हैं। आगे ओआरएमएस के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है दोस्तों, काफी अच्छा लगता है। यही नीचे की बात करते हैं तो बोतल होल्डर और पेपर होल्डर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर लगाया गया है। यहाँ पे आपको डोर पे ट्विटर्स दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके
इंटीरियर में, और आपको दिखा देते हैं इंटीरियर में क्या क्या ऑफर किया गया है। तो देख सकते हैं काफी कुछ चेंज देखने को मिलता है दोस्तों। अगर जो आप रियल लाइफ में देखेंगे तो काफी अच्छा लगता है कंपेयर टू पुरानी बलिनों की। सीट की बात करते हैं तो फैब्रिक की सीट आपको मिल जाती है जिसे आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको बैठ के दिखा देते हैं इसका इंटीरियर। आ गया है मारुति सुजुकी बलिनो के इंटीरियर में। इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं तो आपको सिल्वर फिनिश के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाते हैं। फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने का, फोन उठाने का, काटने का, वॉइस कमांड के फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाते हैं। बीच में आपको सुजुकी का लोगो दिया गया है। टोटल आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, रियर पैसेंजर साइड, आपको टोटल 6 एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ स्टीयरिंग के राइट साइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं तो आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एमआईडी में भी माइनर चेंज किया गया है। यहाँ से आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी आपको सारा कुछ यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के दोस्तों राइट साइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे बटन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाते हैं, इंजन आइडल पोजिशन वाली बटन आपको दी गई है, हिल कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पे आपको लो बीम और हाई बीम करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको हेड अप डिस्प्ले आपको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस तेज और स्क्रीन को आप इधर उधर घुमा सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको एसी बेंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हेड्स अप डिस्प्ले जहां से दोस्तों ओपन होता है यहाँ पे आपको कवर दिया गया है। ऊपर काफी बड़ा डैशबोर्ड आपको मिल जाता है दोस्तों मारुति सुजुकी बलिनो की फेसलिफ्ट वाले में। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ आपको पट्टी लगाई गई है, काफी अच्छा लगता है अगर जो आप रियल लाइफ में देखते हैं। पहले वाली बलिनो में काफी शांत महसूस होता था, इसमें आपको सिल्वर फिनिश की पट्टी लगाई गई है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको एसी बैंड्स मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटर की, तो सेंटर में आपको 9 इंच के फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का फीचर्स मिल जाते हैं। काफी सारे फीचर्स आपको इसमें और एक्स्ट्रा ऑफर किए गए हैं, देख सकते हैं आप। यही नीचे दोस्तों कंट्रोल्स दिए गए हैं। पुराने वाली बलिनो में यहाँ पे आपको ऊपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है। म्यूट कर सकते हैं यहाँ से, वॉल्यूम अप डाउन, होम पे जा सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, यहाँ से आप म्यूजिक ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सिल्वर फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको एसी बेंड्स मिल जाते हैं। यही नीचे और नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बलिनो के बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाता है दोस्तों। एसी के फैन रुकार आप यहां से बढ़ा सकते हैं, यहां से आपको टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर आप सेट करेंगे यहां पे आपको छोटी सी डिस्प्ले दी गई है जिसमें आपको शो होती है। यहां से आप मोड चेंज कर सकते हैं, यहां से आपको रियर डिफोगर की हवा चाहिए, आगे फ्रंट ब्लोअर की हवा चाहिए तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। यहां पे आपको हीटर और एसी के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहीं और नीचे की बात करते हैं तो यहां पे आपको USB पोर्ट और 12 वाट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्टोरेज दिया गया है, सेंटर में आपको 2 का फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश का यूज किया गया है दोस्तों। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको गियर बॉक्स मिल जाते हैं, आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहीं और इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा डोर हैंडल्स मिल जाते हैं क्रोम इंसर्ट के साथ। यहाँ पे आपको दोस्तों सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है जो आपको स्लाइडेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक चेंज देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको स्लाइडेबल आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप पीछे करेंगे तो आपको स्टोरेज दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिए गए हैं दोस्तों, वही सेम ग्लव बॉक्स दिया गया है। तो इसका ओवरऑल इंटीरियर था। इंटीरियर में दोस्तों सनवाइजर की बात कर लेते हैं, तो सनवाइजर ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड मिरर दिए गए हैं विद हैलोजन लाइट के साथ। यहाँ पे आपको सेंटर में भी हैलोजन लाइट मिल जाते हैं, LED देना चाहिए था। यहाँ पे आपको 2 माइक मिल जाती है। ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको वेंटिलेटेड मिरर मिल जाते हैं हैलोजन लाइट के साथ। दोस्तों इंटीरियर में 2 पॉइंट सबसे जरूरी है और आपको दिखा देते हैं, ये है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरे की ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिए 360 डिग्री कैमरे की ओवरव्यू। फिर आपको दिखा देते हैं हेडसेट डिस्प्ले का फीचर, तो आप देख सकते हैं कैसा एमिनेशन बन के आता है। आपको चारों तरफ दिखा देती है कि आपके कौन सी प्रोडक्ट है या आपके आसपास कौन कौन खड़ा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका इन्वायरमेंट है दोस्तों। देख सकते हैं आप 360 डिग्री कैमरा, कुछ कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरह है। यही अगर जो आप रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरे का व्यू दिखाया गया, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू दिखा देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके हेडसेट डिस्प्ले की,
तो हेडसेट डिस्प्ले तब ऑन होता है दोस्तों जब कि आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, तभी हेडसेट डिस्प्ले ऑन होता है। तो देख सकते हैं गाड़ी ऑन हुई, हेडसेट डिस्प्ले निकल रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको हेडसेट डिस्प्ले ऑन हो गया, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, लो फील वार्निंग, आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया है दोस्तों, ये फीचर इसलिए दिया जाता है कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट ना हो, जिसे एक्सीडेंट होने के कम चांसेस हो जाते हैं। अगर जो आप जैसे मान लीजिए हाईवे पे चल रहे हैं, तो आपका आपकी निगाहें जो है एमआईडी पे ना आए, सीधे हेडसेट डिस्प्ले पे आती है। तो ये अच्छी चीज दी गई है जो कि हमें काफी अच्छा लगा। अब आपको दिखा देते हैं दोस्तों इसका रियर स्पेस, और रियर स्पेस में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। तो दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं इसका रियर स्पेस। रियर स्पेस में रियर डोर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश के साथ आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको यहाँ पे यूज किया गया है। रिवर्स में भी आपको मिरर अप डाउन करने का ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप डोर को ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे आपको बोटर होल्डर, यहाँ पे आपको स्पीकर दिए गए हैं। अब बैठ के आपको दिखा देते हैं इसमें कितना स्पेस दिया गया है। तो स्पेस के मामले में दोस्तों तो बलिनो सबसे आगे रहती है। अगर जो आप स्पेस वाइज बात करते हैं तो काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है आपको, काफी स्पेसियस लेग रूम आपको मिल जाते हैं, काफी स्पेस आपको हेडरूम मिल जाते हैं। यही सेंटर में दोस्तों आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको नीचे यूएसबी पोर्ट, आपको जो नॉर्मल यूएसबी पोर्ट और टाइप सी का सपोर्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरेज दिया गया है, तो देख सकते हैं। इंटीरियर में और बात कर लेते हैं तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, चारों एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पैसेंजर साइड आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रूम लाइट दी गई है दोस्तों, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरह का इसका रियर से फ्रंट प्रोफाइल है दोस्तों। अब आपको दिखा देते हैं इसका बूट स्पेस, और आपको बूट में क्या क्या ऑफर किए गए हैं, आइए आप इसका बूट आपको दिखा देते हैं। तो बूट की बात कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन के साथ रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। बूट स्पेस में आपको पार्सल ट्रे मिल जाते हैं, 318 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। गाड़ी के साथ साथ आपको टूल किट्स मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इसपे टायर की, 185/65 R15 इंच का, 1 इंच कम आपको स्टील रिम मिल जाते हैं, बाकी चारों टायरों से 1 इंच कम आपको स्टील रिम मिल जाते हैं। तो बूट में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, ये है इसका ओवरऑल रियर प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स में, इंजन स्पेक्स में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। तो यहाँ से आपको दोस्तों फ्यूल टैंक खोल सकते हैं, यहाँ पे आपको इंजन खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों मारुति सुजुकी बलिनो की इंजन स्पेक्स की बात करते हैं, तो आपको डुअल जेट इंजन मिल जाते हैं, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। पावर की बात करते हैं तो 88 BHP की पावर निकालता है, 113 Nm का टॉर्क निकालता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी 19 के माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो दोस्तों ये थे गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।